ऑल राइट गाइस, ये वाला जो वीडियो है वो पूरी की पूरी तरीके से कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए है। बहुत सारे फोन्स ऐसे हैं जो 30,000 की प्राइस रेंज में मिल जाते हैं, कुछ पुराने फोन भी अपनी जगह अभी तक नहीं छोड़ रहे हैं के बैठे हुए हैं। तो ऐसे में वो चूज किए जाएं, नए स्मार्टफोन जो लॉन्च हो रहे हैं उनको चूज किया जाए, ये उतना ही कंफ्यूजिंग है जितना 12th के बाद मेडिकल इंजीनियरिंग या फिर नॉर्मल कॉलेज चूज करना हो। तो यहाँ पे सारा का सारा क्लियर कर दूंगा, क्योंकि बेसिकली इस प्राइस रेंज में आपको 4 लाख अंतुतु बेंचमार्क वाले भी फोन देखने को मिल रहे हैं, 8 लाख वाले भी मिल रहे हैं, 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल रहा है, वही 108 वाला भी मिल रहा है, 25 वोल्ट की चार्जिंग के साथ भी फोन आ रहे हैं, 67 वोल्ट की चार्जिंग के साथ भी फोन आ रहे हैं, एमोलेड के साथ भी आते हैं और यहाँ पे नॉर्मल 60 हर्ट्ज के साथ भी आते हैं। तो समझ गए ना कितना कंफ्यूजन है। तो ऐसे में कौन सा चूज किया जाए ताकि आके आने वाले मतलब 2-3 साल जब उस फोन को आप यूज करो तो कभी भी आपको ये फील ना हो कि यार कुछ कमी है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ्लेक्सिप किलर मिल जाते हैं ये वो। फ्लेक्सिप किलर पूरी तरीके से इन फोन्स को हम नहीं बोल सकते, फ्लेक्सिप वाली एक अलग कैटेगरी है, वहां पे ना अलग ही चीजें देखने को मिलती है, कुछ ना कुछ वहां पे स्पेशल होता है डेफिनेटली। तो यहां पे फ्लेक्सिप किलर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि इस प्राइस रेंज में इनसे बेस्ट आपको फोन नहीं देखने को मिलेंगे। तो डेफिनेटली स्टार्ट करने वाला हूं अपने पहले फोन के साथ और आप स्टार्ट कर दो सब्सक्राइब करके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी फोन को कोई रैंकिंग नहीं दी है, सारे फोन इंडिविजुअली कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, तो उसी हिसाब से लेना। ऐसे नहीं कि पहले बता दिया तो वो अच्छा नहीं है या फिर लास्ट में बता दिया तो वो अच्छा नहीं है, तो सारे अलग अलग लोगों के लिए। तो जो पहला फोन है वो है सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। अब आप ही बोलोगे भाई रिसेंटली A53 लॉन्च हुआ है उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, क्योंकि भाई उसमें 1280 आता है और वो इतना कैपेबल नहीं है। A52s जो है ना 6.5 इंचेस की एमोलेड 120 हर्ट्ज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कोल भी साथ में लेके आता है, प्लस यहाँ पे आपको फुल प्लेस्ड वन यूआई देखने को मिल जाता है, वन यूआई के सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G है जो परफॉर्मेंस को भी डेफिनेटली टारगेट करके आता है। यहाँ पे आप अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो जो आप A53 में नहीं कर पाओगे। 4500 mAh की बैटरी है और 25 वोल्ट की चार्जिंग आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन बॉक्स में आपको 15 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलेगी, इस चीज का आपको ख्याल रखना है। और 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा है जहाँ पे आपको OIS भी देखने को मिल जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये वाला OIS वो वीडियोस में काम नहीं करेगा, तो ये आपको ख्याल रखना है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे बेस्ट कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल रहा है, टाइमली अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, सैमसंग ब्रांड है एक, डेफिनेटली ये भी चीज आपको कंसिडर करनी है, और सैमसंग भी कंसिडर करके कुछ रुपए आपके यहाँ ज्यादा जोड़ ही देता है। और ये जो फोन है 8GB 128GB वाला, ये आपको 30,000 के भी नीचे देखने को मिल जाता है, 29,000 समथिंग में देखने को मिल जाएगा डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद। डेफिनेटली अगर आप सैमसंग के फोन में इंटरेस्टेड हो और आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए ना, A52s आपके लिए बहुत बेटर डील होगी। और उसके बाद जो दूसरा नंबर का फोन है वो है IQOO 9SE, रिसेंटली ही लॉन्च हुआ था, और जिनको पता नहीं हो उनको बता दूं कि Vivo जो है उसी का सब ब्रांड है IQOO, मतलब बेसिकली एक ही समझ सकते हो, उसी की फैक्ट्रीज में इनको भी डेवलप किया जाता है। तो यहाँ पे 6.6 इंचेस की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये 120 हर्ट्ज पे आती है, और यहाँ पे आपको 1300 max nits ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है, मतलब बेस्ट डिस्प्ले देखने को मिल रही है। 48 मेगापिक्सल का कैमरा है जहां पे आपको OIS भी देखने को मिलता है। IQOO अपने फोन्स को एज ए गेमिंग डिवाइस की तरह रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इनके कैमरास भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें आपको वो भी एडवांटेज देखने को मिल जाता है। अब मैंने गेमिंग डिवाइस क्यों बोला, क्योंकि यहां पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिलता है जिसके अंतुतु बेंचमार्क स्कोर 8.5 लाख निकल के आते हैं। इस प्राइस रेंज में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल ना के बराबर ही देखने को मिलती है। यहां पे आपको LPDDR5 और UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज देखने को मिलती है, और अगर आप एक डेडिकेटेड गेमर हो तो आपको यहां पे MEMC टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी जिसके चलते ये फ्रेम्स को और ज्यादा हाई कर देता है, कलर को थोड़ा और बूस्ट कर देता है, जिससे गेमिंग में ना थोड़े और नशे से आ जाते हैं आपको। तो डेफिनेटली इसको आप कंसीडर कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मल्टी डायरेक्शनल गेमिंग देखने को मिल जाती है, मतलब जिधर से भी गोली चलेगी ना फोन उधर से ही वाइब्रेट करेगा, और 4D गेमिंग वाइब्रेशन देखने को मिलती है, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, कैरियर एग्रीगेशन है, 5G के बहुत सारे बैंड्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट 8 5G बैंड्स देखने को मिल जाते हैं, और इसी के साथ आपको 66 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिलती है। 8GB 128GB के साथ इस फोन की प्राइस आपको आफ्टर डिस्काउंट मिलने वाली है 30,999 रुपीज। ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट हो सकता है अगर आप एक गेमिंग डिवाइस चाहते हो तो, और एक अच्छा कैमरा डिवाइस चाहते हो तो भी। और उसके बाद जो तीसरे नंबर का फोन है वो है Vivo V23 5G। इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जितने भी फोन मैं बता रहा हूं ना उनमें से ऑलमोस्ट की अनबॉक्सिंग या रिव्यू आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगा, तो आराम से जाके आप चेकआउट कर सकते हो अगर आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हो मेरे। और ये वाला जो वीडियो है वो अपने चैनल का सबसे हाईएस्ट व्यूज वाला वीडियो
है, और इसलिए मैंने इसको डेफिनेटली कंसिडर नहीं किया। ये बेस्ट लुकिंग फोन है, ये इंडिया का चीपेस्ट कलर चेंजिंग स्मार्टफोन है, और कलर चेंजिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बहुत सही लगती है। और ऐसा नहीं है कि एक वही चीज है, यहाँ पे आपको एल्यूमिनियम फ्रेम्स देखने को मिलती है, इवन बटन जो है वो भी एल्यूमिनियम के भाई। बैक में ग्लास बैक देखने को मिलता है, 64 मेगापिक्सल के बेस्ट कैमरास देखने को मिलते हैं, 50+8 मेगापिक्सल की ड्यूअल सेल्फी कैमरास हैं जो आपको बेस्ट क्लास रिजल्ट देने में बिल्कुल नहीं चूकते हैं। डायमेंसिटी 920 वाला प्रोसेसर है, जहां पे आप डेडिकेटेड ऐसे गेमर हो तो इस फोन को मत खरीदना, लेकिन आपको बेस्ट डिजाइन चाहिए, इसी के साथ बेस्ट क्लास कैमरा क्वालिटी चाहिए, सेल्फी चाहिए, तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकती है। और ये जो फोन है अपने साथ 90 हर्ट्ज की एमोलेड डिस्प्ले को लेकर आता है, यहां पे आपको 44 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिल जाती है, 4200 mAh की बैटरी है, बैटरी थोड़ी सी छोटी है, लेकिन यहां पे आपको 8GB 128GB के साथ अगर आप ऑफलाइन मार्केट में जाओगे तो ये फोन 25-26 हजार रुपए का देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन में 27 हजार का, क्योंकि ये फोन जो होते हैं वीवो के वो सारे के सारे ऑफलाइन सेंट्रिक स्मार्टफोन होते हैं, तो ऑफलाइन वीवो के स्टोर में आप विजिट करोगे ना तो आपको और अच्छे दामों में देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद जो चौथा फोन है वो है OnePlus 9R, यहां पे आपको 6.5 इंचेस की सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले देखने को मिलते हैं। पर ये फोन उनके लिए है जो OnePlus के डाई हार्ड फैन है, OnePlus की एफिशिएंसी के, OnePlus जैसे ब्रांड के। यहां पे आपको ऑक्सीजन OS का हालांकि थोड़ा बहुत कतरा ही देखने को मिलता है आज के टाइम पे, बट स्टिल वो कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलोअप किए हुए हैं। यहां पे आपको अलर्ट स्लाइडर भी देखने को मिल जाता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स भी देखने को मिल जाती है, ग्लास बैक है, तो सारी की सारी चीजें मिला के ना एक ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन बना देती है OnePlus 9R को। LPDDR5 RAM, UFS 3.1 based storage और इसी के साथ Snapdragon 870 वाला प्रोसेसर, तो गेमिंग भी आप इसे अच्छी खासी कर सकते हो। और इसी के साथ 48 मेगापिक्सल का कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, OIS के साथ आता है ये, 4500 mAh की बैटरी और इसी के साथ 65 वोल्ट की चार्जिंग। हालांकि इसमें 5G का एक ही बैंड आपको देखने को मिलता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि वही N78 बैंड जो है वो इंडिया में भी आने वाला है, ये मेरा सिक्स सेंस कहता है, और डेफिनेटली ये आपको मैच करता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि सिर्फ हवा बनाने के लिए है, जितने ज्यादा बैंड उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 4G के बैंड आपको पता है कि आपके फोन में 4G के बैंड कितने हैं, तो ये सारी चीजें ऐसे ढकोसले से लगते हैं, हालांकि हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि N78 डेफिनेटली आ जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो रिलायंस डिजिटल से आप खरीदोगे तो आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 31,999 में देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा बजट डेफिनेटली बढ़ाना पड़ेगा 1,900 से, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए बहुत वर्थ रखेगा। तो चार फोन है जो मुझे काफी सही लगे, लेकिन इसी के साथ Realme GT Neo 2 जो है ना वो काफी बार आपको 30,000 के नीचे देखने को मिल जाता है, और वो भी Snapdragon 870 डुअल स्टीरियो स्पीकर, 120 हर्ट्ज की E4 AMOLED डिस्प्ले, इसी के साथ ग्लास बैक। ये बहुत ही कमाल का फोन है, अगर 30,000 के नीचे मिले ना तो उस फोन को भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि GT Neo 3 आने जा रहा है इनका 150 वोल्ट के साथ, तो GT Neo 2 की जो प्राइस होगी वो डेफिनेटली कम होने वाली है। तो इतने सारे फोन है जिनके डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे आप डेफिनेटली जाके परचेज कर सकते हो। और आपका कौन सा फेवरेट है नीचे लिख के बताना, बिल्कुल भी मत भूलना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लो। मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो तक के लिए।